चलिए शुरुआत करें बुलेटिन की, बड़ी खबर का रुख करेंगे रामपुर से। बड़ी खबर जहां पर एसपी संतोष कुमार को हटाया गया है, अब शगुन गौतम रामपुर की नई एसपी होंगी। बड़ी खबर इस वक्त आपको दे दें, संतोष कुमार को हटा दिया गया है और उनकी जगह नई नियुक्ति हुई है शगुन गौतम की। दरअसल आजम की गिरफ्तारी न करने पर उनका ट्रांसफर हुआ, ऐसी सूत्र जानकारी दे रहे हैं। संतोष मिश्रा को प्रयागराज पुलिस मुख्यालय का एसपी बनाया गया है और रामपुर में कोर्ट का वारंट होने के बावजूद भी संतोष आजम खान को गिरफ्तार नहीं कर पाए थे और इस वजह से उनका ट्रांसफर किया गया। संतोष कुमार के पास अधिकार थे, उनके पास बाकायदा वारंट था, प्रूफ था कि वो आजम खान को गिरफ्तार कर सकते थे, लेकिन उन्होंने आजम खान को गिरफ्तार नहीं किया और इस वजह से अब उनका ट्रांसफर कर दिया गया है। 26 फरवरी को आजम खान ने कोर्ट में खुद ही आत्मसमर्पण किया और अब ये एक्शन देखने को मिल रहा है। तो सिर्फ रामपुर में ही नहीं बल्कि कुल 12 आईपीएस अफसरों के तबादले कर दिए गए हैं। इसमें एक रामपुर के जो एसपी रहे उनको प्रयागराज भेज दिया गया, लेकिन कुल 12 आईपीएस अफसरों के तबादले हुए। विश्वजीत महापात्रा डीजी विशेष जांच बनाए गए हैं, सुनील कुमार गुप्ता एडीजी टेलीकॉम बनाए गए हैं, रवि जोसेफ जीएसओ डीजीपी बनाए गए हैं, ज्योति नारायण आईजी कानून व्यवस्था बनाए गए हैं, एन रविंद्र डीजी प्रोविजनिंग एवं बजट बनाए गए हैं। इसके साथ साथ आईजी फायर एंड सर्विसेज बनाए गए हैं विजय प्रकाश, वहीं आईजी होमगार्ड लखनऊ बनाए गए हैं धर्मवीर, और शगुन गौतम जिनका हमने जिक्र किया उन्हें पुलिस अधीक्षक रामपुर बनाया गया है। संतोष कुमार मिश्रा को भेज दिया गया है प्रयागराज, पीछे की वजह इसके आजम खान को गिरफ्तार ना करना ऐसा बताया जा रहा है, सूत्र ऐसी जानकारी दे रहे हैं। मनोज कुमार सोनकर को सेना नायक 8वीं बटालियन पीएसी मेरठ बनाया गया है। और इसी खबर पर हमारे दो संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं, लखनऊ से हमारे साथ संतोष शर्मा जुड़े हैं, तो उबैदुर रहमान हमारे साथ जुड़े हैं रामपुर से। मैं संतोष के पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं उबैदुर आपके पास आना चाहूंगा। रामपुर में एक्शन लिया गया है और ट्रांसफर कर दिया गया है, अब यहाँ पर संतोष को हटा दिया गया, उनकी जगह जो शगुन है उनको लाया गया, इसके पीछे की वजह, अब प्रमोशन इसको माना जाए या डिमोशन? देखिए जाहिर सी बात है, संतोष कुमार मिश्रा कुछ दिन पहले ही इटावा से ट्रांसफर होकर रामपुर आए थे, तो उम्मीद लगाई जा रही थी कि नए एसपी आए हैं कुछ कार्रवाई करेंगे, क्योंकि कोर्ट से वारंट जारी हो चुके थे आजम खान के, उसके बावजूद गिरफ्तारी नहीं की जा रही थी जिसकी वजह से कोर्ट भी नाराज था। लेकिन जब 26 तारीख को आजम खान ने खुद अपनी पत्नी और बेटे के साथ में कोर्ट में सरेंडर कर दिया, तो उसके बाद रामपुर पुलिस के ढीले रवैये पर बहुत सवाल खड़े हुए थे। इसको लेकर के जो रामपुर के स्थानीय बीजेपी नेता थे वो भी खफा थे और पुलिस प्रशासन में एक तरह से ठनी हुई थी कि पुलिस अपना काम नहीं कर रही है, जब कोर्ट ने वारंट जारी कर रखे हैं तो क्यों गिरफ्तारी नहीं हुई है। जी जो हम आपको बता दें, जो ये प्रमोशन नहीं कहलाएगा क्योंकि मुख्यालय से अटैच किया गया है, तो एक जिले से हटा करके पुलिस मुख्यालय भेज देना कोई प्रमोशन नहीं है, बल्कि वो एक तरह से डिमोशन ही माना जाएगा। कहीं ना कहीं सिस्टम में जो संतोष कुमार मिश्रा हैं उनके खिलाफ नाराजगी है, इसी वजह से उनको बहुत जल्दी जो है रामपुर से हटा दिया गया। कल दिन भर इस तरह की चर्चाएं रामपुर कोर्ट में भी थी कि कुछ भाजपा नेता जो है गए हुए थे, लगे हुए थे इस कोशिश में कि उनका ट्रांसफर कराया जाए, क्योंकि वो पुलिस को जो है आजम खान के खिलाफ कार्रवाई करने में कहीं ना कहीं रोके हुए थे या नरम रुख अपना रहे थे, और कई लोग को कहना था कि क्योंकि वो इटावा से आए हैं तो जाहिर सी बात है उनके अंदर कुछ सॉफ्ट कॉर्नर जो है आजम खान को लेकर के है, यही वजह जो है जो सूत्रों के मुताबिक रही कि उनका जो ट्रांसफर किया गया है कल। जी उबैदुर रहमान आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। संतोष भी हमारे सहयोगी लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं। संतोष, अगर हम रामपुर की बात करें तो यहाँ पर ये रूटीन ट्रांसफर नजर नहीं आता, इसके पीछे के कारण जो है उबैदुर ने हमें बताए, और लेकिन अगर मैं बात करूँ तो कुल अभी तक जो 12 ट्रांसफर पोस्टिंग हुई है, पहले तो इस तरह की कोई खबरें नहीं थी, अचानक ये ट्रांसफर पोस्टिंग क्यों की गई है, इसके पीछे के कारण पता चल पाए? देखिए जो 12 आईपीएस अफसरों के तबादले हुए हैं ये उन विभागों में तबादले किए गए जहां पर लंबे समय से डीजी की पोस्ट खाली थी या वहां पर लंबे समय से अधिकारियों की तैनाती नहीं हुई थी। अगर बात करें विशेष जांच की तो वहां पर डीजी पोस्ट खाली थी, रूल्स एंड मैनुअल्स बना थे, विश्वजीत महापात्रा उनको डीजी विशेष जांच बनाया गया। वहीं एडीजी टेलीकॉम का पद खाली था तो सुनील कुमार गुप्ता जो अभी तक जीएसओ थे डीजीपी के उनको एडीजी टेलीकॉम बनाया गया है।
वही दूसरी ओर अगर कहा जाए कि ज्योति नारायण केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से वापस अपने यूपी कैडर में लौटे हैं, तो आज उनको आईजी लॉ एंड ऑर्डर का जिम्मेदारी दी गई है। रामपुर की बात करें तो रामपुर में संतोष कुमार मिश्रा इससे पहले एसएसपी ताबा हुआ करते थे। सीएएनआरसी के जब आंदोलन पूरे उत्तर प्रदेश में धरना प्रदर्शन हो रहा था, उस वक्त पर इटावा में जहां पर समाजवादी पार्टी का गढ़ होता है वहां पर एक भी कोई ऐसा प्रदर्शन नहीं हो पाया। वहां पर संतोष मिश्रा के भाषण देते हुए तमाम ऐसे वीडियो वायरल हुए जिसके चलते एक प्रशासनिक तौर पर यह माना गया कि संतोष मिश्रा बेहद अच्छे अधिकारी हैं और कानून व्यवस्था के साथ बनाए रखने में काबिल है, इसी वजह से उनको रामपुर की जिम्मेदारी दी गई। लेकिन जब रामपुर पहुंचे तो वहां पर कानून के हिसाब से उनको आजम खान को गिरफ्तार करना था जो कि इनके एनबीडब्ल्यू जारी था, लेकिन वहां पर वो आजम खान के मोर्चे पर संतोष कुमार मिश्रा विफल हुए और इसी के चलते संतोष कुमार मिश्रा को एसपी प्रयागराज मुख्यालय बनाया गया, यानी कि पुलिस हेडक्वार्टर का अपना बड़ा मुख्यालय होता है जिससे कि पूरे उत्तर प्रदेश में जो कार्य व्यवस्थाएं होती है, संसाधन होते हैं, वो वहां से गवर्न होते हैं, तो लिहाजा वहां के एसपी की जिम्मेदारी दी गई है। एसपी रामपुर के तौर पर संतोष कुमार मिश्रा को हटाया गया, वहां पे शकुन गौतम को भेजा गया है। तो ये जो तबादले हैं इसमें सिर्फ रामपुर एक ऐसा है जिसको कि कहा जा सकता है कि तमाम जो पिछले फैक्टर थे आजम खान की न गिरफ्तारी न कर पाने के चलते संतोष कुमार मिश्रा को हटाया गया। बाकी अफसरों की तैनाती एक रूटीन का ट्रांसफर है, आईजी लॉ एंड ऑर्डर का पदखाली ठीक है वहां पर, यानी कि बाकी जगहों पर रूटीन प्रोसेस ही है, सामान्य प्रक्रिया के तहत ही ये ट्रांसफर पोस्टिंग हुई है, लेकिन रामपुर में ऐसा नहीं है। आपका संतोष, इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो ये 12 आईपीएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। अब दिल्ली से आपको बड़ी खबर दे दें, उत्तर प्रदेश की तर्ज पर दंगाइयों से दिल्ली में भी वसूली की जाएगी। सार्वजनिक और निजी संपत्ति का आकलन किया जा रहा है कि किसने तोड़ा, किसने नुकसान पहुंचाया। जिसने नुकसान पहुंचाया होगा उस व्यक्ति की निजी संपत्ति से इसकी भरपाई की जाएगी। हिंसा में करोड़ों की संपत्ति का नुकसान हुआ है और दिल्ली पुलिस अब जुर्माना वसूलने की तैयारी कर रही है। जुर्माना नहीं देने पर सीधा कुर्की की कार्रवाई होगी। हाईकोर्ट से एक क्लेम कमिश्नर नियुक्त करने की गुजारिश की गई है। हिंसा के दौरान दर्जनों वाहनों, घरों, दुकानों को आग के हवाले किया गया था। अब पुलिस तकनीकी समिति तस्वीरें, ड्रोन कैमरों से जो ब्यौरा मिल रहा है और सार्वजनिक संपत्ति को जो नुकसान पहुंचाने के आधार मिल रहे हैं उनके आधारों पर वसूली की जाएगी। हिंसा में अब तक 179 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं, लेकिन ये जो निर्णय लिया गया, जो फैसला लिया गया है, ये कहीं ना कहीं इसमें झलक मिलती है उत्तर प्रदेश योगी सरकार के उस निर्णय, उस फैसले का, जिसमें उन्होंने, जिन्होंने सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा गया है उनसे ही भरपाई की बात कही थी। और विवेक यादव हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। विवेक, जैसे यूपी पुलिस ने किया, ये योगी सरकार ने जैसे निर्देश दिए थे उसी को आगे बढ़ाते हुए दिल्ली पुलिस भी आप कुछ ऐसे ही करेगी? बिल्कुल राजीव, आपको बता दें कि यूपी सरकार की तर्ज पर ही दिल्ली सरकार भी अब एक बार फिर से ऐसा करने जा रही है, क्योंकि देखिए यूपी में जब हिंसा की घटना हुई थी तो उसको लेकर यूपी सरकार ने भी एक ऐसा ही आदेश जारी किया था जिसमें साफ तौर पर कहा गया था कि जो भी हिंसाई हैं, जिन लोगों ने ये पूरी हिंसा की है, दंगा फसाद किया है, और उनको चिन्हित करके उनसे पैसे की वसूली की जाएगी। अगर वो वसूली में एक पैसा देने में सक्षम नहीं होंगे तो उनके घर की कुर्की की जाएगी। सेम इसी तर्ज पर दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस ने लगातार इस पे काम करना शुरू भी कर दिया है। इन्होंने एक कोर्ट में एक अर्जी दी है जिसमें एक क्लेम कमिश्नर की नियुक्ति करने की गुजारिश की है और कहा गया है कि वो कमिश्नर जो होगा पूरी जांच करेगा, उसके बाद जो भी ऐसे लोग हैं जो विवेक चूंकि दिल्ली पुलिस जो है केंद्र के अधीन है और दिल्ली सरकार आम आदमी पार्टी की है, तो क्या अब दोनों ही इसमें राजी हैं? यानी कि दोनों दोनों ही इसमें राजी हैं। दिल्ली सरकार भी इस फैसले को लेकर राजी है और दिल्ली सरकार भी साफ तौर पर कह रही कि हाँ, अगर ऐसी जो घटना जिन लोगों ने हिंसा की है और उनको चिन्हित किया जाए और इसके लिए बाकायदा एक एसआईटी भी गठित करने की मांग की गई है। वो एसआईटी जिन जिन लोगों को चिन्हित करेगी ड्रोन के द्वारा कि जहां जहां पे ऐसे हादसे हुए सब कुछ और जो वीडियो वायरल हुए हैं उनके द्वारा ही उन चिन्हित किया जाएगा उन लोगों को जिन्होंने हिंसा फैलाई, उसी हिंसा को लेकर उनसे वसूली की जाएगी। अगर बात करें तो अभी तक करीब 179 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, 200 से ज्यादा सरकारी व निजी संपत्तियों को आगजनी और तोड़फोड़ कर नुकसान पहुंचाया जा चुका है। जी विवेक, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो दिल्ली सरकार की भी इस पर सहमति है, दिल्ली पुलिस भी इसके लिए राजी है। तो ऐसे में बताया जा रहा है कि एक अलग से इसके लिए एसआईटी बनेगी जो सिर्फ इसी पर निगरानी रखेगी। उन लोगों को चिन्हित किया जाएगा वीडियोज के जरिए और तमाम दूसरे जरियों के जरिए और उनकी
संपत्ति से, अगर वो जुर्माना नहीं भरते तो उनकी संपत्ति कुर्क की जाएगी। हरदोई में डीसीएम और स्कॉर्पियो के बीच की टक्कर की तस्वीरें सामने आई हैं। तेज रफ्तार के कारण यह हादसा हुआ और हादसे की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। लेकिन अच्छी बात यह रही कि इसमें स्कॉर्पियो सवार बार बार बच गए। संडीला के बस अड्डा चौराहे का यह मामला है जहां पर जो स्कॉर्पियो सवार है उसकी ज़्यादा गलती नजर आ रही है, क्योंकि जो डीसीएम है वो अपनी लेन पर चल रहा है जबकि स्कॉर्पियो सवार तेज रफ्तार में आता है। मोड़ पर उसको अपनी रफ्तार नियंत्रित रखनी चाहिए थी, धीरे रखनी चाहिए थी, लेकिन रफ्तार में आर सी थे डीसीएम से जाकर टकरा गया। तो ये तस्वीरें हरदोई की है जहां स्कॉर्पियो सवार और स्कॉर्पियो की और डीसीएम की टक्कर हुई और स्कॉर्पियो सवार सभी लोग सुरक्षित बताए जा रहे हैं। चंदौली में शनिवार की देर शाम गंगा नदी में मजदूरों से भरी हुई एक नाव पलट गई। उस दौरान हादसे में 5 महिलाएं गंगा की लहरों में लापता हो गए, जिनमें से 2 महिलाएं और 3 लड़कियां इसमें शामिल हैं। इस घटना की जानकारी जैसे ही प्रशासन को मिली, प्रशासन में हड़कंप मच गया। आनंद फानंद में SDRF की टीम को बुलाया गया और लापता महिलाओं की तलाश शुरू की गई, लेकिन अब तक उनको कामयाबी नहीं मिली है। सारी रात ये सर्च ऑपरेशन चलता रहा। खुद मुख्यमंत्री योगी भी चंदौली हादसे पर नजर रखे हुए हैं और अधिकारियों से संपर्क में है, लेकिन अभी तक कामयाबी नहीं मिली है। जो 5 महिलाएं, जिसमें 3 लड़कियां और 2 महिलाएं हैं, वो अभी तक लापता है। लगभग 6 बजे की बात है जी, और उस बार से गाजीपुर जिले से नैया आ रही थी और मुरलीपुर और मौजी के महिलाएं और बच्चियां गई थी आलू कोड़ने, उधर से आ रही थी तो बीच में नैया दबाव की वजह से शायद क्रैक हो गई और पानी देने लगी और आते आते 100 मीटर अंदर ही डूब गई नैया। डूबने की वजह से थोड़ा हल्ला हुआ तो डोंगी वाले जाल वाले थे सब इधर से आए तो उनको जो बची थी पौड़ने वाले शायद पौड़ रहे थे तो उनको बचाई और 4-5 महिलाएं और बच्चियां उसमें बुड़ गई। थाना धीना के महुजी गांव के निकट जो घाट है वहां पर एक नाव जो है जिसमें लगभग 35 से 40 महिलाएं अधिकतर जो थी वो सुबह के समय गाजीपुर जनली जाती थी और वापस आते समय महुजी जब आती थी तो घाट से 10-15 मीटर पीछे, यानी कि जब चंदौली के बॉर्डर पे चंदौली के घाट पर पहुंचने ही वाली थी वो नाव, तो वो अधिक संख्या में यात्री होने के कारण वो नाव कुछ बेस से टूटी भी और उसके बाद नाव डूब गई। अधिकतर लोग सकुशल तैरकर घाट तक पहुंच गए थे पर 5 जो लोग हैं उनको अभी ढूंढा नहीं जा पा रहा है। और सोनभद्र से इस वक्त की बड़ी खबर आप तो दें, 2 मालगाड़ियों की आमने सामने की भिड़ंत हुई और हादसे में 3 लोगों के मरने की आशंका है। सोनभद्र से इस वक्त बहुत बड़ी खबर आपको देते हैं, 2 मालगाड़ियों की आमने सामने की भिड़ंत हुई है, टकराव हुआ है, टक्कर हुई है, 3 लोगों के मरने की आशंका है। मौके पर बचाव दल पहुंचा है, इस वक्त जानकारी मिल रही है और मालगाड़ी की टक्कर से बड़ी क्षति का अनुमान है। बीजपुर मार्ग पर रेलवे क्रॉसिंग के पास में हादसा हुआ है। 2 मालगाड़ियों की आपस में टक्कर हो जाना, आमने सामने की टक्कर हो जाना, यानी कि बड़ी लापरवाही है। एक ही ट्रैक पर ही कैसे पहुंचे और इस हादसे से जुड़ी हुई जो भी आगे अपडेट मिलती जाएगी, जो भी पुष्टि होगी वो हम आपको बताते रहेंगे। आगे बढ़ रहे हैं, आगरा के फतेहाबाद तहसील में एक तहसील कर्मचारी का रिश्वत लेते हुए वीडियो सामने आया है। कर्मचारी ने कागजी वेरिफिकेशन के लिए 800 रुपए मांगे थे। उधर वीडियो वायरल होने के बाद से SDM ने कर्मचारी से जवाब मांगा है। हमारा फतेहाबाद तहसील के एक कर्मचारी के खिलाफ वीडियो वायरल हो गई, उसमें पैसा लेने के लिए पैसा ले लिया। उसके लिए हम लोग स्पष्टीकरण पहले मांग रहे, स्पष्टीकरण के साथ साथ जांच भी शुरू कर जा रहे। वो वीडियो वायरल के वजह से हम लोग भी बहुत सारा शिकायत आ गए, इसी तरफ अगर शिकायत हमारे पास आ रही हम लोग तुरंत उसके कार्रवाई करें। बिजनौर में सास ने चप्पलों से अपने ही दामाद की पिटाई कर दी। असल में दामाद ने पहले अपनी पत्नी को पीटा था, जिसके बाद आग बबूला सास ने दामाद को ही कैमरे के सामने पीट डाला। जिला अस्पताल परिसर में सास ने दामाद को जमकर पीटा, ये तस्वीरें देखिए। दरअसल बताया जा रहा है कि इस दामाद ने पहले अपनी पत्नी को पीटा था और उसके बाद सास को जब ये बात पता चली तो उनसे रहा नहीं गया, उन्होंने
इस परिसर में अपने दामाद को जम कर पीटा। कानपुर में एक बुजुर्ग को सरेआम पीटने का वीडियो सामने आया है। यहां पर दबंगों ने सड़क पर बुजुर्ग को जमकर पीटा, उसकी लात घूसों से जमकर पिटाई की गई। इस दौरान कोई बचाने के लिए भी आगे नहीं आया। किदवई नगर थाना इलाके का यह मामला है, जहां पर आप देख सकते हैं कि एक दबंग बुजुर्ग को बुरी तरह से पीट रहा है। आसपास खड़े लोग तमाशबीन बने हुए, कोई बचाने के लिए आगे नहीं आ रहा। हाथरस के गांव में बारात में बवाल का वीडियो सामने आया है। मामला डांस को लेकर शुरू हुआ, देखते देखते बाराती और घरातियों में जमकर मारपीट हो गई। ग्रामीणों ने बारातियों को लाठी डंडों से जमकर पीटा और किसी तरह भागकर बारातियों ने अपनी जान बचाई। फिलहाल पुलिस ने ग्रामीणों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की तफ्तीश की जा रही है। ये मामला संज्ञान में आया था, जिसमें अभी प्रभारी निरीक्षक से जानकारी की गई है। तो ये बारात जो आई थी, इसमें बारातियों के बीच में ही आपस में डांस को लेकर के आपस में मारपीट हो गई थी। इसमें सूचना उसमें से किसी ने 112 नंबर पर दी थी, जिसमें PRV मौके पर पहुंची थी और वहां पर उनके द्वारा बताया गया कि आपस में कहासुनी हुई, कोई विशेष बात नहीं है। तो वहां पर पुलिस वापस वहां से लौट आई थी, उन्होंने आपस में समझौता कर लिया। चलिए फिलहाल रुक रहे हैं, छोटे से ब्रेक के लिए हम फौरन लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बाराबंकी में एक किसान के खुदकुशी करने का मामला सामने आया है। यहाँ पर कोठी थाना इलाके के ग्राम पंचायत सददुल्लापुर के मवैया गांव में किसान ने अलग अलग बैंकों से करीब 40 लाख रुपए लोन लिए थे ताकि अच्छी कृषि कर सकें, लेकिन धीरे धीरे आर्थिक तंगी के चलते वो लोन चुका नहीं पाए वापस। इसको लेकर बैंकों ने किसान को नोटिस जारी कर दिया, जिसके कारण किसान परेशान रहने लगा और जहर खाकर आत्महत्या कर रहे। सहारनपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली मारकर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसका दूसरा साथी मौके से भागने में कामयाब हो गया। गिरफ्तार बदमाश का नाम शराफत है और उस पर कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। उसके कब्जे से पुलिस ने एक इको गाड़ी, अवैध तमंचा और जिंदा कारतूस भी बरामद किया है। तो गंगा प्राइम में फिलहाल इतना ही, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद मेरे साथ देखिए उत्तराखंड प्राइम।